Hello students, welcome to Cartographia, yes, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with modern history. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुर्तगाली सेक्शन की, पुर्तगाली या यूरोपियंस भारत की ओर क्यों देख रहे थे, या पुर्तगाली ही क्यों भारत में आए थे, किसकी सहायता से आए थे, कब आए थे, मैं आप लोगों को बता चुका था। आज हम देखते हैं कि उनका प्रशासन कैसा था, क्यों पिछली क्लास में मैं आप लोगों के यहाँ पर कंपनी तक पहुंच गया था जिसका नाम था पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन बच्चों बेहतर तो था, ठीक है, लेकिन ये अपने प्रशासन को तब तक संभाल पाए जब तक ब्रिटेन यहां पर नहीं आ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव यहां तक नहीं जमाए। खैर, हम वो चर्चा आगे करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई तो उस समय पर पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का अगर फैक्ट्री लगाएगी कंपनी, तो फैक्ट्री लगाकर जाहिर सी बात है किसी न किसी गवर्नर को रखेगी जिससे वो कंपनी को या फैक्ट्री को संभाल सके। अब ये फैक्ट्री शब्द क्या है, सबसे पहले आपके जहन में ये भी आया होगा, क्या फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? तो इस समय तक फैक्ट्री केवल एक भंडार गृह था जहां पर जो माल था भारत में का वो माल रखा जाता था, ठीक है। ये ज्यादातर शुरुआत में अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये किसी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे लगाई जाएंगी, क्योंकि वहां से पुर्तगालियों की नाव इस माल को लोड करके वापस पुर्तगाल ले जा सकेंगी, ठीक है। तो फैक्ट्री ऐसा नहीं है किस चीज का प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन किसी चीज का नहीं था, केवल और केवल माल को इन्होंने संग्रहण के लिए रखा था जिसको ये लोग फैक्ट्री बोलते थे। इसी को संभालने के लिए या फिर भारत में जितना भी उठा पटक है उसको संभालने के लिए पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गवर्नर्स को भारत में नियुक्त करना शुरू कर दिया। और इनमें से पहले गवर्नर का नाम है बच्चों, आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हिंदी में भी लिख देता हूं, यहां पर ये पहले गवर्नर आए। और ये कहां के गवर्नर थे, तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पुर्तगाल से आए थे। इनका जो टाइम रहा बच्चों, वो भारत में इनका टाइम टेन्योर रहा है 1505 से 1509 तक, एडी में चल रहा है, ईस्वी में चल रहा है। अब इनके टाइम पे भी बड़ी घटनाएं घटी, उनको भी समझते हैं क्या क्या यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए, कौन कौन से युद्ध हुए, इन युद्धों का क्या परिणाम निकला और आगे चलकर किस प्रकार से इनको वापस पुर्तगाल बुला लिया गया। देखिए, यहाँ पर अगर मैं मानूं तो ये व्यक्ति ऐसा है जो पहला फाउंडर कहलाएगा, क्योंकि पहली बार भारत में पहला गवर्नर बन के आया है इस कंपनी का। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन है पोर्टुगीज का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो यहां पर आप लोग बताओगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फाउंडर है, ठीक है। सॉरी, संस्थापक हो गए। यहां पर अगर इन्हीं के देखा जाए तो इन्होंने ब्लू वॉटर पॉलिसी, हिंदी में इसका नाम नीली जल संधि नहीं होता बच्चों, या फिर नीति नहीं होता, हिंदी में अगर देखा जाए तो शांत जल की नीति बोला जाता है। इसके पीछे ये कारण है कि ब्लू वॉटर मतलब गहराई का प्रतीक होता है, जितना ज्यादा ब्लू रंग से आप वॉटर को दिखाओगे तो उतना ज्यादा गहरा होता है, और गहरा जो वॉटर होता है वो शांत होता है, सही। इसने शांत जल की नीति अपनाई, शांति के लिए क्या कहा गया, इसने कहा कि हम लोग व्यापार करने आए हैं, हम लोग को व्यापार ही करने दिया जाए, हम यहाँ पर शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, ठीक है। अब यहाँ पर एक संबंध निकल कर आया कि युद्ध किससे नहीं चाहते, ऐसा किससे युद्ध हो रहा था,
जो यहाँ पर शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाना पड़ा। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, युद्ध भी बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी को, इसका संस्थापक फाउंडर इसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी का, शांत जल की नीति का, ठीक है। अब भैया शांत जल की नीति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, यहां पर ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए जरा आप, 1509 तक ही रहे हैं तो 1508 में ये घटना घटित हुई। 1508 में हुआ क्या, बैटल ऑफ चोर हो गया। चोल का युद्ध। अब भैया बैटल ऑफ चोल, जो चोल का युद्ध हुआ, इसमें एक तरफ था ट्रायो और दूसरी तरफ था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का लड़का जिसका नाम था लेंसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का लड़का था लेंसिस्को डी अल्मेडा। 1508 में चोल का युद्ध हो रहा है, ट्रायो लिखा है मैंने इधर, इसका मतलब तीन गुट, ठीक है। अब भैया ट्रायो का मतलब तीन देश हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हो पिछली क्लास में चर्चा करके आया था कि यूरोपियंस में, अगर यूरोप में देखा जाए तो इटली का वर्चस्व था पूरे यूरोप में, और इटली का वर्चस्व अगर पूरे यूरोप में होगा तो उसको आज से चुनौती देने के लिए पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई कि नहीं आ गई, और अगर पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियंस यानी इटली के वर्चस्व को तोड़ना चाहती है तो जाहिर सी बात है इटली को जलन होगी, और इटली को जलन होगी तो इटली इनको परेशान करेगा ही करेगा। इसका मतलब पहला इटली, दूसरा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इटली का माल है वो टर्की से होकर जा रहा था, तो इसका मतलब दूसरा तुर्की। यहां पर तुर्कियों का सीधा संबंध भी था क्योंकि राजा के जो वंशज था शुरू में टर्किश माना गया है वो, इसलिए अगर देखा जाए तो एक तीसरा कड़ी जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है गुजरात का उस टाइम का राजा जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। तो यहां पर बच्चों चोल के युद्ध में एक तरफ था ट्रायो, इटली टर्की एंड गुजरात का राजा महमूद बेगड़ा, और दूसरी तरफ था इसी का लड़का लेंसिस्को डी अल्मेडा। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो गुजरात का राजा था इसे लोग नरभक्षी कहा करते थे, और इस महमूद बेगड़ा ने लेंसिस्को डी अल्मेडा को मारा, और ऐसा कहा जाता है कि इसने इसका मांस खा लिया। अब लेंसिस्को डी अल्मेडा मर गया तो पिता को जाहिर सी बात है दर्द होगा कि नहीं होगा। यहीं पर ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ये कसम खा ली कि मैं भारत से तभी जाऊंगा जब मैं अपनी लड़के की मृत्यु का बदला ले लूंगा। लेकिन इसी समय पर इसने यहां पर इटली से, इन सब देशों से शांत जल की नीति की ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। इसने कहा कि मुझे और युद्ध नहीं चाहिए, मुझे केवल व्यापार चाहिए, शांति से व्यापार चाहिए, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर इटली टर्की का वर्चस्व कम हो रहा था व्यापार पर और इनका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा था, इस वजह से यहाँ पर युद्ध को नोता मिलना ही था। अब आगे देखते हैं, इस युद्ध के बाद जो यहाँ पर लेंसिस्को डी अल्मेडा मरा, इनके लड़का है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किस प्रकार से बदला लेगा देखते हैं इसको। यहां पर बच्चों अगले ही साल, क्योंकि अगली बार तो फिर ये ट्रांसफर होकर वापस चला जाएगा इसका, तो 1509 में एक बैटल हुआ जिसको आप लोग जानते भी होंगे, दमन एंड दीव है, तो यहीं पर ही बैटल ऑफ दीव हुआ। दीव का युद्ध हुआ। अब ये क्या था, दीव का युद्ध, इसमें क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कसम खा चुका था कि मैं अपने लड़के की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा,
तो इसमें एक तरफ तो था ट्रायो, वो ही सेम ट्रायो, और मैं आपको बता चुका हूं ट्रायो के बारे में, एक तो था इटली, एक था टर्की, और एक था बच्चों गुजरात का राजा महमूद बेगड़ा। यहां पर दूसरी तरफ कौन था, ये बैटल ऑफ दीव पढ़ा रहा हूं, ये बैटल ऑफ दीव में दूसरी तरफ था खुद इनका गवर्नर इस बार, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहां पर था बैटल ऑफ दीव। अब इसी समय हुआ क्या, क्योंकि इस समय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने युद्ध की शांति की नीति को अपनाकर बड़ा बढ़िया काम किया, कि ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इस समय पर धैर्य को धर अपने लड़के की मृत्यु का बदला ना लेकर जो एक साल के लिए शांति की नीति अपनाई थी उसमें इसने जंगी जहाजों का बेड़ा बुलवा लिया था भारत में, और भारत में इसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अरब में इनको कोई हरा नहीं सकता था, चाहे वो ट्रायो हो चाहे वो चार मिल जाए कोई नहीं हरा सकता। इसका मतलब सीधा सीधा सा निकला, इस बार कौन हार गया, ट्रायो हार गया, और इतनी बुरी तरीके से हारा ये ट्रायो कि आज के बाद इटली का वर्चस्व यूरोप में समाप्त हो गया। और कौन जीत गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीत गया। ठीक है, यहां पर इसने अपने लड़के की मृत्यु का बदला लिया, और साथ ही साथ में आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो पोर्तुगीज पीढ़ियां हैं, जो यहाँ पे आगे आने वाले गवर्नर्स हैं, उनके लिए भी बच्चों रास्ते को साफ कर दिया। तो ये दो बैटल इसके टाइम पे हुए, और मैंने आप लोगों को बताया कि शांत जल की नीति को इसने अपनाया, और साथ ही साथ में इसे फाउंडर कहा जाता है पोर्तुगीज पावर का, क्योंकि ये पहला गवर्नर था भारत में पुर्तगालियों का। आगे देखिए 1509 में, क्योंकि ये ट्रांसफर होके चला जा रहा है, मैं इसका नाम अभी भी लिखूंगा क्योंकि आगे चलकर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा गवर्नर यहां पर, इनका भी नाम बड़ा बढ़िया सा है, आप लोगों ने एक आम का नाम सुना होगा, और आम का अल्फोंसो नाम है, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इनका टाइम रहा है भारत में 1509 से 1515 तक, 1509 से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी गवर्नरी की भारत में, और 1515 तक बच्चों ये रहे थे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को अगर समझा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क बच्चों एक बड़ी विचारधारा का व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया की छवि पूरी तरह से भारत में बदल कर रखी। कैसे बदल, तो इसके और इसके विचारों में कुछ अंतर था। क्या, सबसे पहले अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बच्चों यहां पर इस सेना को, जो ये सेना लेकर आया था, इसका बड़ी बाखूबी से यूज किया, और ये पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने 1510 में, जो आप लोगों को गोवा बड़ा पसंद है, गोवा को बीजापुर से जीत लिया, यानी इसने बीजापुर क्षेत्र को हराया और उसके एक छोटे से क्षेत्र को, गोवा को, अपने हिस्से में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। कब लिया, तो 1510 में लिया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारे वन वर्ड वाले रहे, लेकिन यहां पर आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत की शक्ति को तो जरूर हराया है, लेकिन भारत में साम्राज्यवाद को उत्पन्न नहीं किया था।
भारत में अपने एम्पायर को स्प्रेड नहीं किया था, लेकिन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जब ये आया तो इसने 1510 में गोवा को जीतकर उस पर अधिकार किया। अच्छा बताओ, उस पर अधिकार किया है इसका मतलब साम्राज्यवाद को हवा दे दी है कि नहीं देती है? और यही था सबसे पहले यहां पर पोर्तुगीज कंपनी का साम्राज्यवाद। यहां पर भारतीय राजाओं को समझ जाना चाहिए था कि साम्राज्यवाद अगर यहां से जन्मा तो ये बीज था और आगे चलकर एक पौधा बनेगा और आगे चलकर एक पेड़ बनेगा। लेकिन भारतीय राजा दूरदर्शी नहीं थे, उनके अंदर सोचने की पावर बेहद कम थी, आगे चलकर ये सोच नहीं पाते थे, इसलिए इनको बार बार मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। अब आगे सुनिए आप लोग, 1510 में गोवा को जीता और गोवा को जीतकर इसने क्या काम किया बच्चों? सती सिस्टम को बैन कर दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बताओ, ये प्रतिबंध जब सती सिस्टम को लगा देगा, पूरी तरह से जब ये बैन कर देगा सती सिस्टम को, तो बिल्कुल एक बात नजर आ रही है कि ये भारतीय लोगों को खुश करना चाहता है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से सुनना, अंग्रेज या फिर कोई भी यूरोपियंस जब भी कोई कदम उठाएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी मंशा होगी, कोई ना कोई उसका इफेक्ट होगा। देखिए, मेरा इतिहास पढ़ाने में मेरा एक मानना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो मेरा एक मानना है कि हर सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में, हर एक शब्द में कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? अब ये आप अगर कोई चीज हो रही है तो उस चीज का प्रभाव हमेशा पड़ता ही पड़ता है और उस चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अब तुम मुझसे पूछना चाहते होंगे कि इसका कारण क्या है, किसने सती सिस्टम को ही क्यों चूज किया? क्या इसको लग रहा था कि सती सिस्टम एक बेकार प्रथा है, या सती सिस्टम में महिलाओं से हमदर्दी थी इसको? तो बिल्कुल। अब आगे देखिए आप लोग, अल्बुकर्क ये कहने लगा कि भैया किसी भी साम्राज्य में या किसी भी समाज में संस्कृति को दो प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। अब आप लोग समझो जरा, यहाँ पे पुर्तगाली आए थे केवल और केवल व्यापार करने के लिए, अभी तक मैं आपको ये बता रहा था, लेकिन अल्बुकर्क ने यहाँ पर दूसरा एजेंडा सबके सामने लाकर रख दिया। यहाँ पर ये लोग केवल और केवल व्यापार करने नहीं बल्कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा या फैलाने के लिए भी आए थे। कैसे? अल्बुकर्क कहने लगा कि अगर हमें अपनी कल्चर को, हमें अपने धर्म को बढ़ाना है तो यहाँ पर धर्म को दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। कैसे? या तो पुर्तगाल से कुछ व्यक्तियों को बुलाया जाए और उन्हें भारत में बसा दिया जाए। वे पुर्तगाल से भारत में आएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी संस्कृति फैलेगी, पहला। लेकिन इसमें जो प्रोसीजर होगा वो काफी स्लो होगा। दूसरा यहां पर क्या कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उन्हें ही क्रिश्चियनिटी में या अपनी कल्चर में ढाल दिया जाए। कैसे ढाला जाएगा? तो भैया अल्बुकर्क ने यहां पर अपने सैनिकों, अपने जो उसके सेवक थे, उन सबको यहां पर आदेश दिया कि आप लोग भारतीय महिलाओं से ज्यादा शादी करोगे। कौन सी महिलाओं से? तो भारतीय महिलाओं से। आप लोग भारतीय महिलाओं से ज्यादा शादी करोगे। अब इसमें क्या हुआ, भारतीय महिलाओं से ज्यादा शादी करने का मतलब क्या था? यहां पर सती प्रथा को प्रतिबंधित करके ये महिलाओं के करीब आना चाहते थे, क्योंकि यहां पर सती सिस्टम बहुत बेकार व्यवस्था थी और ये अल्बुकर्क कहता है कि पुर्तगालियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए आप लोग हमारे यहाँ शादी कीजिए और शादी अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है जो अगली जनरेशन होगी वो बच्चों इंडियन नहीं होगी, वो पुर्तगीज होगी, उसके विचार पुर्तगालियों से संबंधित होंगे। ठीक है, अब जरा बताओ, जब शादी हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ की सोसाइटी में आज से पुर्तगीज कल्चर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। ये सब किसने किया? तो ये सब अल्बुकर्क ने किया। गोवा को इसने जीता, यहाँ पर कल्चर को इसने फैलाया, अपने धर्म को फैलाने के लिए सबसे प्रमुख ये माना जाता है, इसलिए अल्बुकर्क को हम पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में बच्चों रियल फाउंडर के नाम से जानते हैं, हम इसको वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कार्य इसके द्वारा किया गया था।
हम लोग को पता चला कि 1510 में इन्होंने गोवा को जीता है। आगे चलिए, अब हम तीसरे गवर्नर की ओर चलते हैं। तीसरा गवर्नर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसने एक दो कार्य किए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 1509 से ये 1515 तक रहा है, इरेज हो गया था तो मैंने दोबारा से लिख दिया। यहां पर इनका नाम है निनो डी कोना। अब इन्होंने क्या काम किया? इनका टाइम अगर देखा जाए तो 1529 से 1531, 1529 टू 31 तक ये रहे। कैसे भैया? अब यहां पर क्या इन्होंने किया? इसने एक काम किया कि 1530 में गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। यहां पर निनो डी कुन्ना 1529 से 1531 तक रहा, और इसने 1530 में जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बच्चों 1510 में गोवा को जीत लिया था बीजापुर से, उसे इसने 1530 में अपनी राजधानी बना लिया। आप लोगों को ये दो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आ गए कि गोवा को कब जीता, तो 1510 में जीता, और गोवा को राजधानी कब बनाया, तो 1530 में बनाया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो राजधानी गोवा को जब 1530 में बनाए तो उससे पहले राजधानी क्या थी। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि भैया जब गवर्न 1530 में इन्होंने बनाया तो उससे पहले भी राजधानी कोई और रही होगी, तो उससे पहले समझिए 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया, लेकिन उससे पहले वाली राजधानी थी कोचिन। तो पुर्तगालियों की पहली राजधानी कोचिन थी, और 1530 में इसको परिवर्तित करके कहां कर दिया गया? गोवा कर दिया गया। ठीक है, इन 1530 द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोचिन टू गोवा। आगे देखिए, अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे तीन गवर्नर आप लोगों के सामने लिखे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, निनो डी कुन्ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका टेन्योर 1505 से 1509 तक का है भारत में, इसका टेन्योर 1509 से 1515 है, और इसका 1529 से 1531 तक का टेन्योर है, टाइम पीरियड है, कार्यकाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पुर्तगालियों के गवर्नर्स का टेन्योर कार्यकाल कितने वर्ष का है? क्यों? क्योंकि अल्मेडा बच्चों यहाँ पर 4 साल रहा, इसने अपनी सेवाएं भारत में 4 साल दी, इसने 6 साल टोटल दी है, और 29 से 31, इसने 29, 30, 31 यानी के 2 से 3 साल के बीच में। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये बनाएगा कि भैया पुर्तगीज गवर्नर्स का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्ष का था। तो देखा जाए तो अल्मेडा ने 4 साल कार्य किया, अल्बुकर्क ने 6 साल, और कुन्ना ने 2 से 3 साल के बीच में। लेकिन एक्चुअल अगर इनका टेन्योर देखा जाए बच्चों, तो यहां पर इनका कार्यकाल 3 साल का था। किसी भी पोर्तुगीज गवर्नर का जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था, वो 3 साल का रखा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को एक आंसर और मिल गया है। ये सब कुछ था आप लोगों का प्रशासन। किसके प्रशासन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की? तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने तीन गवर्नर्स को पढ़ा तथा उनके फैक्ट तथा उनकी विचारधाराओं को समझा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कंपनियां कौन कौन सी आई थी, उनमें से कुछ कंपनियों के बारे में आप लोगों को ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को देखना चाहिए कि कंपनियां कौन कौन सी आई थी और उनका यूरोप में गठन या फिर एस्टेब्लिशमेंट यूरोप में कब हुआ था।
सबसे पहले आप लोग जानते हैं पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में थोड़ा सा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पांच कंपनियां भारत में आई थी बच्चों, ठीक है। हालांकि डच भी बड़े फेमस थे, ब्रिटिश तो आप लोगों को पता ही होगा, पोर्तुगीज में पढ़ा ही रहा हूं अभी आप लोगों को, और फ्रेंच भी बड़े फेमस थे, नहीं फ्रांस की कंपनी भी जो थी बड़ी प्रमुख थी। डेनिश ने थोड़ा सा कम यहाँ पर रूल किया, उनके फैक्ट्री थोड़े कम थे, आगे चलकर मैं संधि बताऊंगा जिसकी वजह से चले गए थे। पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा जाए बच्चों तो यूरोप में एस्टेब्लिशमेंट बता रहा हूँ केवल अभी तक, तो 1498 में इन्होंने अपनी कंपनी को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा जाए तो 1600 ईस्वी में इन्होंने यूरोप में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा की जाए तो यहाँ पर इन्होंने 1602 में अपनी कंपनी को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। डेनिश को इन्होंने 1604 में एस्टेब्लिश किया था यूरोप में, और फ्रेंच ने अगर बात की जाए, यानी कि फ्रांस क्योंकि बड़ी फेमस कंपनी थी इसलिए इसके बारे में प्रमुख रूप से पूछा जाता है, तो सन 1664 में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था यूरोप में। अब ये कंपनियां हैं यूरोप में एस्टेब्लिशमेंट, पोर्तुगीज 1498 में एस्टेब्लिश करती है, ब्रिटिश 6000 में एस्टेब्लिश करती है, जो डच है वो 1602 में, डेनिश जो है 1604 में, और फ्रेंच जो है वो 1664 में, 1664 में एस्टेब्लिश करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बड़ा प्रमुख बनता है कि यहाँ पर उस समय राजा कौन था जब ये एस्टेब्लिशमेंट हो रहे थे यूरोप में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा सकता है कि जब यूरोप में कंपनी एस्टेब्लिश हो रही थी तब उस समय भारत में रूल कौन कर रहा था, तो उस समय बच्चों अगर देखा जाए तो आप लोगों को सिकंदर लोदी यहां पर रूल कर रहा। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा जाए तो 1600 में याद कीजिए 1605 तक अकबर जिंदा था, और अकबर के बाद उसका लड़का जहांगीर गद्दी पर बैठा, तो 1600 में ये यूरोप में एस्टेब्लिश हुई, उस समय भारत का राजा अकबर था। 1602 में बच्चों यहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई है और 1605 तक अकबर रहा है, तो अकबर यहां पर इसका आंसर बनेगा। यहां पर डेनिश 1604 में आई है, और 1605 में अगर देखा जाए तो जहांगीर आता है, तो यहां पर भी अकबर ही आंसर बनेगा, और 1664 में औरंगजेब आ गया। हालांकि ये कंपनी 1608 में भारत में आई थी और ये 1606 में भारत में आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस प्रकार से आगे बढ़ते थे, ठीक है। 1604 नहीं, 1664 है, 1616 है भैया, ये बच्चों 1616 है, ठीक है। 1616 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जहांगीर होगा। ये 1498, 1600, 1602, ये 1616 है बच्चों। डेनिश जो थे 1616 में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किए थे वहां पर, ठीक है, और उस समय राजा जो था वो जहांगीर था, 1664 में औरंगजेब आया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी किस किस प्रकार से एस्टेब्लिश की, और उस समय भारत में राजा कौन था जब ये यूरोप में एस्टेब्लिश हो रही थी, सही। ये कंपनियां मैं इनमें से एक थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम है पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे ब्रिटिश पढ़ानी है मुझे कि किस प्रकार वे आए थे यहाँ पर भारत में, फिर मैं थोड़ा सा डच के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, और फ्रेंच के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से डच फ्रेंच ये सब कंपनियां भारत में पधार रही थी और इनके क्या क्या इफेक्ट्स निकल रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।